दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू की प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू को हटा लिया है, यहां पर देख सकते हैं। और मेरा पेज दोस्तों मोनेटाइज भी हो गया है, अब आगे चल करके अर्निंग भी करूंगा इससे। लेकिन आप लोगों के पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसी से रिलेटेड, लेकिन आप लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू हटाना नहीं आता है। हमने ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया जिससे मेरा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू हट गया और फाइनली मेरा पेज जो है मोनेटाइज हो गया। तो आप लोग बहुत सारे परेशान रहते हैं एवं हमेशा मेरे लाइव में अगर 100 लोग लाइव को अटेंड करते हैं तो 50 लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई मेरा सब कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट है लेकिन हमारा पेज मोनेटाइज नहीं हो रहा है, यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू की प्रॉब्लम आई हुई है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है एवं ये प्रॉब्लम आती क्यों है, अगर हम ऐसे कौन से रूल्स को फॉलो कर लें जो ये प्रॉब्लम ना आए, एवं हम ऐसे कौन से रूल्स को तोड़ देते हैं फेसबुक के, ऐसी कौन सी इसकी पॉलिसी है जिसके हम खिलाफ चले जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। भाई साहब ये प्रॉब्लम अगर हटेगी नहीं तो आप एक भी रुपए आप नहीं कमा पाएंगे। वो क्यों नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आपका पेज जो है या प्रोफाइल है वो मोनेटाइज नहीं होगी। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, लाइव प्रूफ सब कुछ दिखाऊंगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप करके नहीं जाना, नहीं तो भाई आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप लोगों को बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर जो गुमराह कर देते हैं और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दे देते हैं जो उनका कोई लॉजिक ही नहीं है मेरे भाई उसमें। मैंने एक बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखा, ठीक है, मेरे सामने पड़ा, ठीक है, मैं तो चलो एक बार देखता हूं कि भाई ने क्या बताया हुआ है। हालांकि मैं उनको जानता हूं, वो भी हमको जानते हैं, मेरी बातचीत भी होती, लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। उन्होंने इतना कुछ उसमें यार बता दिया ना जो बताने की जरूरत ही नहीं थी उतना ज्यादा, और ना ही प्रॉब्लम वो सोल्व होगी उस तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैं भी दोस्तों फेसबुक पे वर्क करता हूं, मेरे पास कम से कम 25 से 30 पेजेस हैं जिनपे कॉपी पेस्ट का वर्क करता हूं और महीने की अच्छी खासी अर्निंग भी करता हूं। लेकिन हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे, ये तो बात की बातें हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम राजपूत और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पीड, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, आपको सारा कुछ बताता हूं दिखाता हूं। तो यहां पर दोस्तों अपना फोन क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं, अब आपको हम पूरा दिखाते हूं बताते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमारे फोन में इन स्ट्रीम यहां पर लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम आपको इन स्ट्रीम में मिल सकती है और लाइव में मिल सकती है, यानी कि ये प्रॉब्लम आपको तो मिलनी ही मिलनी है अगर आपके पास मिल गई, ठीक है। अब किसी किसी यूट्यूबर को आपने देखा होगा तो बोलते हैं सिर्फ इन स्ट्रीम में कंटेंट मोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेरे भाई मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहता हूं, ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है भाई। प्रॉब्लम अगर आपकी है तो एड्स ऑन रील भी आपको मिलना मुश्किल है, यानी कि 1% चांस है मिल जाए तो आपकी किस्मत है। अब यहां पर ये होता क्या है यार, ये प्रॉब्लम आती क्यों है, ठीक है, ये भी एक पॉलिसी इशू है, ठीक है। अगर हम ओपन करके दिखाएं तो इसको हम दिखा भी सकते हैं, वहां पर पॉलिसी इशू आपको लिखा दिखाई दे जाएगा। मैं स्क्रीनशॉट यहां पर लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पे, ठीक है, क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद में एक बार आपको दिखा भी देता हूं। यहां पर आपको मेटा बिजनेस स्विच ओपन कर लेना है, जैसे ही ओपन करेंगे यहां पर ओपन हो रहा है, आपको एक बार दिखाऊंगा भी। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको एलिजिबल कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहां पर इन स्ट्रीम पे जैसे जाएंगे यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पॉलिसी इशू दिखाई दे रहा है। ये पॉलिसी इशू दोस्तों वही है जो हमारा कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू दिखाई दे रहा है, वही है। ये आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पे, आपको मेटा बिजनेस स्विच को ओपन कर लेना है, वहां पर आपको जाना है अपने मोनेटाइजेशन सेक्शन पे, मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, फेसबुक ही ओपन कर लेते हैं। यहां पर आपको मैंने बता दिया अब ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है, यहां पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहां पर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों आ सकती है। तो यहां पर थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यहां पर तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टेटिक्स वीडियो और स्टेटिक्स इमेज पोल, स्लाइड लूपिंग वीडियो टेक्स्ट, अब इनको छोड़ो। अब हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्यों आता है। नंबर एक पे हम बात कर लेते हैं नेम, ठीक है,
तो एक चीज आपके नेम पर भी आ सकती है, यानी कि आपने अपने प्रोफाइल या पेज का नाम किस तरीके से रख रखा है। दोस्तों हमारे पेजेस के नाम थोड़ा ऊटपटांग ही रहते हैं, जैसे आप लोगों को तो पता है हमारे पेजेस के नाम रहते हैं कि भौजी डांस मसाला, भौजी ताबड़ तोड़ मसाला, ठीक है, रसीली भाभी, ठीक है, चमकीली भाभी, ठीक है, या फिर पड़ोसन भौजी, डांस वाली भौजी का ठुमका, ठीक है, भौजी की हंसी खेठा के, ठीक है, भौजी चले मत वाली, इस तरीके से हमारे पेजेस रहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं 18 प्लस कंटेंट पे काम करता हूं, तो हमारे पास भी ये प्रॉब्लम बहुत बार देखने को मिलती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत में अगर पेज आपका ग्रो होता है अच्छी बात है, अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है नाम आपको चेंज कर लेना है, ठीक है, आपको इस चीज पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, आपकी जो प्रोफाइल लगी होती है, ठीक है, यहां पर थोड़ा हम बैक होते हैं, आपकी जो प्रोफाइल और डीपी लगी होती है आपके पेज पे, अब दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है कि आपकी डीपी कैसी लगी है, ठीक है। यहां पर दोस्तों ये मेरी प्रोफाइल है, अब यहां पर डीपी कैसी लगी हुई, डीपी पर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। यहां पर ये हमारा पेज है रोमांटिक भाभी मसाला, आप लोगों को तो पता है यार मैं किस तरीके वीडियो डालता हूं और नाम कैसे रहते हैं, मेरे पास तो आता नहीं है, कभी कभी आ जाता है, ठीक, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास आता नहीं है, 100% तो ऐसा नहीं कह सकता कि आता नहीं, मेरे पास भी आता है, लेकिन आ सकता है इन सब चीजों से, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, ये फेसबुक की पॉलिसी में लिखा हुआ है, आप आर्टिकल जाकर के पूरे पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों नाम की वजह से भी आ सकता है और यहां पर इसकी प्रोफाइल की वजह से आ सकता है, या हमने किसी के वीडियोस पर जाकर के कमेंट सेक्शन में उसके कमेंट कर दिया तब भी आ सकता है, या हम वीडियोस के माध्यम से किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं यानी कि गाली दे देते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, हम किसी के कंटेंट को चुरा करके डालते हैं तब भी आ सकती है, या किसी सेलिब्रिटी से मिलता जुलता या सेलिब्रिटी का नाम हम रख लेते हैं तब भी कुछ हद तक जो है एआई टूल जो फेसबुक का होता है वो वर्क करके डिटेक्ट कर लेता है और आपकी प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है, आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है और सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम ये नहीं कहते हैं कि भैया आप नाम लिखना छोड़ दो इस तरीके का, या आप भौजी की डीपी लगाना छोड़ दो, भैया अगर ये हम बताएंगे तो हम खुद ही ना काम करें तो ये तो आपको बताएंगे, तो वैसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि मैं खुद करता हूं, जो चीज मैं खुद करता हूं वो चीज आपको जरूर ही सजेस्ट करता हूं। हां कभी भी ये नहीं कहूंगा भाई गलत करो, ठीक है, लेकिन इसको सही कैसे करना है उसका तरीका तो हम आपको बताएंगे ही, ठीक है। यहां पर इस पेज पर भी प्रॉब्लम आई हुई थी इस चीज की, मैंने हटा लिया, यहां पर मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, अभी प्रॉब्लम्स आई थी इस वाले पेज पर भी आई हुई थी, लेकिन मैंने इसको छोड़ रखा काफी दिन से। दोस्तों इस वाले पेज पर भी हमारे प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि इस पेज को मैंने छोड़ दिया था, सिर्फ एक दिन काम किया था प्रॉब्लम आ गई थी, मेरे पास टाइम नहीं रहता इतना ज्यादा इसलिए मैंने छोड़ दिया था, लेकिन ये प्रॉब्लम दोस्तों सोल्व हो गई, कैसे सोल्व हुई वो भी बताऊंगा। तो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमने किया क्या था इस पे, ठीक है, हमने कुछ भी दोस्तों नहीं किया था, सिर्फ जो मैंने किया था वही आपको बताऊंगा। यहां पर डैशबोर्ड में चलते हैं आपको दिखाते हैं, वो प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो गई और मैं इस पे अब काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो काम मैं नहीं करता, यहां पर स्टार का भी ऑप्शन आया हुआ है, काम नहीं करता हूं लेकिन स्टार का ऑप्शन दोस्तों आया हुआ है, ठीक है। यहां पर हम चलते हैं इन स्टीम में, तो इन स्टीम में अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये प्रॉब्लम थी, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी हट गई है और ग्रीन हो गया, क्योंकि ये पेज दोस्तों हमारा पड़ा हुआ है 2 महीना से, इस पे हम काम नहीं कर रहे हैं, इस पे काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ। अब जब वीडियो वायरल नहीं होता दोस्तों, मेरा एक रूल है, आप अपने लाइफ में एक रूल्स बनाइए, आप एक टारगेट फिक्स कर लीजिएगा, अगर आप टारगेट फिक्स कर लेते हैं ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। मेरा टारगेट रहता है कि किसी भी पेज पे सिर्फ और सिर्फ मैं 5 दिन काम करूंगा या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, अगर 5 दिन के अंदर वीडियोस वायरल होते हैं तो ठीक, अगर वायरल नहीं होते उस पेज को मैं छोड़ देता हूं, और छोड़ने के बाद में 1 महीना तक छोड़ता हूं, उसके बाद में वीडियोस को डिलीट करके
फिर से उस पर काम करता हूं और वीडियो वायरल होता है। यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, इस पेज के वीडियोज भी दिखाऊंगा थोड़ा, ठीक है। यहां पर हम दोस्तों आपको दिखाना चाहें तो इस पेजेस पे हमने काम नहीं किया है, कितने दिन से काम नहीं किया है। यहां पर देखो कैसे वीडियोस में डालता था, 18 प्लस कंटेंट डालता था यहां पर, ठीक है, डाले हुए हैं। तो 18 प्लस कंटेंट दोस्तों हमारे वल्गर है, इसलिए हम यहां पर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोस्तों कॉपीराइट भी आ सकता है या सेक्सुअल एक्टिविटी भी भाई यूट्यूब पर भी लागू है, ठीक है, जिससे हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये दिखा नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्च कर लीजिएगा, आपको पेज ऊपर दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें एक दो वीडियो वायरल हैं, बाकी वायरल नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। वीडियोस डालता हूं मैं डेली के 5 से 7 डाल देता हूं, इसके ऊपर नहीं डालता हूं, और एक हफ्ते में काम नहीं होता है तो बंद कर देता हूं। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ओपन करना है, ठीक है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद में आपको चेक कर लेना है कि आपका रिकमेंडेशन दोस्तों ऑन है या नहीं ऑन है। तो रिकमेंडेशन ऑन है या नहीं है इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लो, ठीक है, या फ्लैग कंटेंट उस पर आया हुआ है तो भी देख लो जाकर के। इस प्रॉब्लम को पहले सोल्व करना है, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, उसके बाद में यहां पर आपको जाना है, फिर उसके बाद में यहां पर फेसबुक को ओपन करना है, वो भी मैंने आपको बता रखा है। फिर उसके बाद में क्या बता रखा है आपको, यहां पर सपोर्ट हेल्प पेज आएगा, यहां पर आपको सपोर्ट इनबॉक्स मिलता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। यहां से क्या करना होता है दोस्तों, इन पे क्लिक करके आपको चेक करना होता है, वो मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, यहां पर पूरा ग्रीन होना चाहिए। इन चीजों को आपको चेक कर लेना है पहले, और आपके जो वीडियोज हैं, ठीक है, जो वीडियोज हैं आपने डाल रखा है, कोई बात नहीं, आपने डाल रखा है, उन वीडियोस को एक बार में जो डिलीट कर दिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं डिलीट किया है तो आपको डेली का 1 घंटा लाइव करना है, वो भी कौन से पेज पे करना है, जिस पेज पे प्रॉब्लम आई हो और कौन सी आईडी से करना है, यानी कि आपका जो पेज है एक नई आईडी आपको क्रिएट कर लेनी फ्रेश, उस पे आपको पेज को ट्रांसफर कर देना है। जैसे ही पेज को ट्रांसफर करेंगे पुरानी वाली आप अपनी प्रोफाइल से रिमूव हो जाएंगे। अब रिमूव होने के बाद में उस नई वाली प्रोफाइल पे आपका पेज जब ट्रांसफर हो जाएगा तो डेली का 1 घंटा आपको लाइव करना है, 1 ब्लॉग वीडियो बनाना है और 1 रील बनानी है, और आपको रिपोर्ट कैसे करना है इस तरीके से, एक आपको लाइव वीडियो बनाना है, ठीक है, कि हेलो फेसबुक टीम, ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है एवं फेसबुक के रूल्स रेगुलेशन को मैं फॉलो करता हूं, हमने ऐसी कोई भी गलती नहीं की है जिसके द्वारा हमारे पेज को कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू दे दिया गया है, तो कृपया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे एवं हमारी इस प्रॉब्लम को सोल्व करे जिससे मैं कुछ अर्निंग कर सकूं और धन्यवाद। इस तरीके से आपको बोल देना है। अगर आप नहीं जान पाते हैं क्या बोलना है तो मैं टेक्स्ट टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फटाफट ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर मैं डेली रात में 10 बजे के बाद में लाइव आता हूं और आप लोगों को हर एक चीज बताता हूं, क्योंकि आप लोगों के दोस्तों मैं कमेंट्स शायद रिप्लाई नहीं दे पाता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, और मैं इंस्टाग्राम पर भी थोड़ा एक्टिव कम रह पाता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया के जितने भी दोस्तों अकाउंट्स हैं हमारे एक्टिव, तो मैं सब पे रहता हूं, ऐसी बात नहीं, अगर आप लोगों के इमरजेंसी वाले क्वेश्चंस होते मैं रिप्लाई दे देता हूं, लेकिन आप लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, तो आप एक बार आजमा कर देखो यार, फटाफट ज्वाइन तो करो एक बार टेलीग्राम चैनल को, देखो 10 बजे के बाद में मैं लाइव आता हूं या नहीं आता हूं। अगर आप लाइव आते हैं तो आपकी प्रॉब्लम को 100% गारंटी के साथ मैं सोल्व करता हूं, और मेरे से वो लाइव में आकर के बात भी कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, ज्वाइन कर लो। अब ज्वाइन करने के बाद में आपको करना क्या है, ठीक है, वो तो आपने कर लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कैसे करना है, जो आपने लाइव किया है उसको पोस्ट कर देना है, पब्लिक कर देना, उसका लिंक है कॉपी कर लेना है। अब लिंक कॉपी करने के बाद में आपको रिपोर्ट करना है फेसबुक टीम को। अब रिपोर्ट कैसे करना है, ठीक है, रिपोर्ट का मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लो, ठीक है। अगर रिपोर्ट करना आप सीख गए ना तो आपको कोई भी इस प्रॉब्लम से हटाने से नहीं रोक सकता है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगी। तो आपको वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना है, और रिपोर्ट टेक्स्ट क्या लिखना होता है इस चीज में, ठीक है, उसका रिपोर्ट टेक्स्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे ही दूंगा, वहां से उसको आप कॉपी कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दूंगा, ठीक, आपका जैसे मर्जी है वैसे बोल लेना। अगर इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, हिंदी आती तो उससे भी अच्छी बात, क्योंकि आप हिंदुस्तानी है तो हिंदी आनी चाहिए। तो आप रिपोर्ट कर देना और आपकी प्रॉब्लम
सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ रह गया हो तो लाइव में आकर के पूछ लेना, लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो भाई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि हमारे वीडियोज का आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।